brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. इंदौर में अक्षय बम की नाम वापसी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस के डमी प्रत्याशी मोती सिंह पटेल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। क्षेत्र का जो चुनाव शुरू हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी ने अक्षय बम को उम्मीदवार बनाया, सब्स्टिट्यूट में मुझे प्रत्याशी बनाया था। 29 अप्रैल के दिन अक्षय बम के द्वारा नाम वापसी हो गई। मैंने उसी दिन सेम डे माननीय निर्वाचन अधिकारी को आवेदन दिया कि हमारे प्रथम व्यक्ति जो प्रत्याशी थे उन्होंने नाम वापस ले लिया, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूट था। मुझे मेरा ये हक है कि मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। उन्होंने हमारी दलील अस्वीकार कर दी। उसी बात को लेकर अगले दिन हम माननीय उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने हमारे पक्ष में निर्णय नहीं करा। हम फिर डबल बेंच में गए और डबल बेंच के बाद भी हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आया और हमने पूरी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय करा और हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए। वहीं मोती पटेल के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज होने के बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें उम्मीद है कि यहां उनकी सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय द्वारा जो है वह याचिका खारिज कर दी गई थी और यह 30 तारीख को कर दी गई थी याचिका खारिज, और 30 के बाद में रिट अपील जो है वह भी खारिज कर दी गई थी। उसके पश्चात जो है अब माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन जो है वह मोती सिंह पटेल जी द्वारा लगाई गई है। देखिए, मुख्य रूप से हमारा यही कहना है कि मोती पटेल जी सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट है और सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट जो है वह ऐसा दो बार होता है कि वह मेन कैंडिडेट बन सकता है। ऐसी परिस्थिति दो बार जनरेट होती है। पहली बार तब जनरेट होती है जब जो मेन कैंडिडेट पहले से ही है पॉलिटिकल पार्टी का, उसका नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाए, और दूसरी स्थिति तब निर्मित होती है जब जो मेन कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म विड्रॉ कर ले। तो जब पहली परिस्थिति निर्मित हुई तब तो वो उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, तो इसीलिए मैं मेन कैंडिडेट तो बन नहीं सकता। परंतु जब उन्होंने फॉर्म विड्रॉ कर लिया तब जरूर यह परिस्थिति है और मेरा राइट जनरेट हो जाता है कि मैं मेन कैंडिडेट हूं। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिसके बाद डमी कैंडिडेट मोती पटेल ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अपनी याचिका में मोती पटेल ने कहा था कि नियमानुसार कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद डमी कैंडिडेट को ही चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है। हालांकि हाईकोर्ट ने उनके तर्क को नहीं माना था और उनकी याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि मोती पटेल ने इंदौर से डमी कैंडिडेट की तरफ से नामांकन दाखिल किया था, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।